हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। जैसा कि कल मैंने आपको एक डेमो वीडियो में बताया था कि किस तरीके से आप एक्सेस में डिपेंडेबल एक तरह का सॉफ्टवेयर आप डेवलप कर सकते हैं, तो उसका डेमो मैंने दिया था। आज के इस वीडियो में पूरी बात करेंगे कि कैसे वो सॉफ्टवेयर हम डेवलप करेंगे। तो चलिए ये स्टार्ट करते हैं। ये एक्सेस ओपन किया है, यहाँ पर ब्लैंक डेटाबेस मैंने ले लिया है और यहाँ पर व्यू पे क्लिक करते हैं। एक टेबल भी हमने बना ली है और इस टेबल को मैं बनाता हूँ स्टेट के नाम से, तो STATE स्टेट कर दिया है, STATE, तो ये हो गया स्टेट। और यहाँ से ओके करना है आपको, ये ओके कर दिया। अब यहाँ पर आईडी आ रही है और इसे हम प्राइमरी की रखेंगे, तो यहाँ पर सिर्फ मैंने कर दिया स्टेट। आपको क्या करना है, सिर्फ यहाँ देना है स्टेट, तो बस स्टेट कर दीजिए। और स्टेट करने के बाद क्या करना है, यहाँ पर रखना है आपको टेक्स्ट, शॉर्ट टेक्स्ट। तो आप अगर 2007 यूज करते होंगे तो यहाँ पर टेक्स्ट मिलेगा आपको, यहाँ पे क्लिक करके ओके कर दीजिए। अब यहाँ स्टेट के नाम आएंगे, ठीक है। जैसे मैं यहाँ कर देता हूँ यूपी, यहाँ पे कर देता हूँ एमपी, यहाँ पे कर देता हूँ बिहार, तो तीन स्टेट के नाम लिख दिए। आप चाहे तो और भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। अब इसको सेव कर देते हैं, तो ये स्टेट के नाम से एक टेबल बन गई, ठीक है। अब जो दूसरा टेबल बनाएंगे उसमें हम क्या करेंगे, उसमें कुछ चीजें रखेंगे। जैसे यहाँ पर मैं कर देता हूँ स्टूडेंट डिटेल, स्टूडेंट डी के नाम से एक टेबल बना देता हूँ, स्टूडेंट डी, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, यहाँ पर एक आईडी रख लेते हैं फील्ड, ठीक है। और यहाँ पे क्या करते हैं, स्टूडेंट आईडी कर देते हैं, स्टूडेंट आईडी, तो ये कर दिया स्टूडेंट अंडरस्कोर आईडी लगा देते हैं, तो ये हो गया स्टूडेंट आईडी। और इसे ऑटो नंबर रख देते हैं और यहाँ पे नेम ऑफ स्टूडेंट कर देते हैं, तो ये कर दिया नेम अंडरस्कोर लगा के लिखेंगे, ठीक रहता है, नेम ऑफ स्टूडेंट, तो ये कर दिया नेम ऑफ स्टूडेंट्स। और यहाँ पर क्या करेंगे, शॉर्ट टेक्स्ट रखेंगे। यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर फिर वापिस से स्टेट देंगे, स्टेट STATE स्टेट दे दिया। और यहाँ पे वही स्टेट आएंगे जो वहां पे आए थे, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे करेंगे सिटी, तो ये हो गया। अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पर भी सेम रहेगा, तो ये इस तरीके से करके ओके कर देंगे, तो ये हो गया। अब यहाँ पे नेम ऑफ स्टूडेंट आएगा, तो पहले स्टूडेंट का नाम लिखते हैं यहाँ पे, ROHAN रोहन, ठीक है। और स्टेट इनका क्या है, यूपी है, ठीक है। सिटी क्या है, देवरिया है, ठीक है, ये लिख दिया। अब एंटर करके नीचे आते हैं, अब यहाँ पे सोहन दूसरा नाम लिखते हैं और यहाँ पे इनका भी स्टेट क्या है, एमपी है। और यहाँ पे इनकी सिटी जो है वो है सतना, सतना, ये कर दिया, ठीक है। यहाँ पर आएंगे तो अगला यहाँ पे लिखते हैं लाइक मोनू, तो ये मोनू नाम के स्टूडेंट है जिनकी सिटी, सॉरी स्टेट जो है यूपी है और सिटी जो है यहाँ पे लखनऊ है, LUCKNOW, लखनऊ कर दिया। और एक कर देते हैं सोनू, तो ये भी हैं और इनकी भी सिटी क्या है, यूपी है। और यहाँ पर स्टेट जो है, सिटी जो है, स्टेट तो यूपी हो गया, सिटी जो है यहाँ पे कर देते हैं लाइक गोरखपुर, गोरखपुर, तो ये कर दिया गोरखपुर। और यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर अगला हम बात करेंगे, जैसे यहाँ पे लिख देते हैं विराट, विराट लिख दिया, तो ये विराट कर दिया। और यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर कर देते हैं बिहार, तो ये कर दिया बिहार, तो बिहार। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे सिवान कर देते हैं, सिवान एक जिले का नाम है बिहार के, ठीक है। फिर अगला आएंगे तो अगला यहाँ पे लिखते हैं नाजिया, एक नाम लिख देते हैं और इनका जो, इनका भी बिहारी रहेगा। और यहाँ पे कर देते हैं क्या, यहाँ पे कर देते हैं हम पटना, पटना कर देते हैं, तो ये हो गया। अब यहाँ पे फिर आगे आएंगे तो फिर यहाँ कुंदन कर देते हैं एक और नाम, ठीक है, तो ये हो गया कुंदन, एक और नाम आ गया, ठीक है। और इनका क्या करेंगे, इनका एमपी कर देंगे और यहाँ पे करेंगे इटारसी, इटारसी कर दिया। तो ये एक लिस्ट हमने प्रिपेयर कर ली, ठीक है। अब इसको भी क्लोज कर देते हैं। अब एक सिटी के लिए, सिटी के लिए भी बनाना है तो सिटी के लिए बनाएंगे आगे, ठीक है। लेकिन अभी क्या करेंगे, अभी हम चलते हैं टेबल बना लेते हैं, तो यहाँ से जाकर के और इसे नाम दे देते हैं सिटी, CITY सिटी हो गया। और सिटी देने के बाद यहाँ से ओके करेंगे, जैसे ही ओके करेंगे तो यहाँ पे डालेंगे सिटी, सिटी को प्राइमरी की बनाएंगे इसे, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। सिटी को इसमें क्या करेंगे, प्राइमरी की बनाएंगे, यहाँ शॉर्ट टेक्स्ट रख के। और फिर यहाँ क्या करेंगे, स्टेट डालेंगे, तो STATE स्टेट। और यहाँ पर आएंगे, ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से ये जाएंगे लुकअप विजार्ड पे, और लुकअप विजार्ड पे जाने के बाद पहला ऑप्शन चूज करके आगे बढ़ेंगे। और यहाँ पर चूंकि स्टेट से वैल्यू फेच होगी, तो यहाँ पर स्टेट पे आके यहाँ पे स्टेट ले लेंगे और यहाँ इस तरीके से जाके फिर आगे बढ़ेंगे और फिर यहाँ स्टेट डाल करके ये इस तरीके से कर देंगे। तो अब यहाँ से हमको फॉर्म बनाना होगा, तो यहाँ फॉर्म डिजाइन में जाएंगे और यहाँ पर आपको मिलेगा एड एग्जिस्टिंग फील्ड। तो जो हमारा टेबल है, लाइक ये स्टूडेंट डी जो हमने बनाया है, इसमें से हमें स्टूडेंट आईडी पिक करना है और दूसरा यहाँ पे स्टूडेंट नेम पिक करना है, और स्टेट को और सिटी को हमको यहाँ से नहीं पिक करना है क्योंकि इसके लिए कॉम्बो बॉक्स बनाया जाएगा, तो कॉम्बो बॉक्स हम बनाएंगे, ठीक है। तो एक बार मैं इसको यहाँ पर लेके आता हूँ,
ये स्टेट आ गया, देन यहाँ पर सिटी को भी ले आऊंगा। ये देखिए ये कुछ इस तरीके से सिटी भी आ जाएगी। अब हम इसके लिए कॉम्बो बॉक्स डिजाइन करते हैं। तो कॉम्बो बॉक्स कैसे डिजाइन करेंगे, तो यहाँ पर देखिए ये जो आ रहा है ना फॉर्म डिजाइन, यहाँ पर ये आपको मिलता है कॉम्बो, तो यहाँ पर जाकर के इसको ड्रैग करवा दीजिएगा इस तरीके से कुछ, ठीक है। जैसे ड्रैग करवाएंगे तो ये विंडो ओपन होगी, तो ये पहला ही ऑप्शन चूज करके आगे बढ़ना है हमें। और यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पे स्टेट उठाना है, तो ये स्टेट हम लेंगे, ठीक है। और यहाँ से ये स्टेट करेंगे, और यहाँ से नेक्स्ट करके, नेक्स्ट करके, और यहाँ से नेक्स्ट करके, और इसको स्टोर कराएंगे हम, तो यहाँ पर ये स्टेट के फील्ड में इसे स्टोर करा देंगे, ये इस तरीके से आ जाएगा। और यहाँ पर इसको नाम दे देंगे स्टेट, ये नाम दे दिया, और यहाँ से फिनिश कर दिया। तो यहाँ पे स्टेट भी आ गया है देख सकते हैं, और ये स्टूडेंट का नेम भी आ गया है, सारी चीज़ें हो गई हैं, ठीक है। इसको छोटा कर देते हैं थोड़ा सा, थोड़ा सा और इसमें काम करना होगा। ये स्टेट को सेलेक्ट करके और यहाँ से प्रॉपर्टी शीट में जाके और अदर में जाके यहाँ पे नाम चेंज कर देंगे हम। यहाँ पे कॉम्बो कंट्री, CBO कंट्री कर देते हैं, कॉम्बो स्टेट, STAT, ये हो गया कॉम्बो स्टेट। तो यहाँ पे STATE लिखना है, STATE, ठीक है। तो ये हो गया कॉम्बो स्टेट। इसके बाद फॉर्म को आपको सेव करना होगा, तो FRM स्टूडेंट के नाम से सेव कर देता हूँ, FRM स्टूडेंट। तो ये हो गया, तो ये फॉर्म को भी मैंने सेव कर दिया है, देख सकते हैं। अब एक छोटी सी क्वेरी बनानी है, क्या करना है आपको, क्रिएट पे जाके क्वेरी विजार्ड पे जाना है, और यहाँ से पहला ऑप्शन चूज करके फिर यहाँ से क्या करना है, दोनों ऑप्शंस को ले लेना है। यहाँ से इस तरीके से जाके आगे बढ़ेंगे, और सिटी क्वेरी के नाम से इसे सेव कर देते हैं, और यहाँ से फिनिश कर देते हैं। तो ये आ गया है इस तरीके से। स्टेट में जा करके हमें यहाँ पे टाइप करना है फॉर्म, ये फॉर्म्स आ जाएगा, और फॉर्म का नाम है हमारे FRM स्टूडेंट, तो इसको ले लेंगे। और यहाँ पर हम एक्सक्लेमेशन लगा करके, और यहाँ पर जो हमने नाम दिया था स्टेट, कॉम्बो स्टेट, उसको ले लेना है इस तरीके से, और यहाँ से जाके इसको सेव कर लेना है। ये जो क्वेरी हम लगा रहे हैं इसको सेव भी कर लेंगे, तो सिटी क्वेरी के नाम से ये भी सेव हो गया, ठीक है। क्लोज कर देंगे यहाँ से, ये क्लोज कर दिया। अब यहाँ पर चल के हमें एक कॉम्बो बॉक्स लेना होगा, तो यहाँ से जाकर के एक कॉम्बो बॉक्स ले लेते हैं, ये कॉम्बो बॉक्स है हमारा। यहाँ से जाकर के इसको ड्रैग करवाएंगे, और इस तरीके से दो ऑप्शन खुलेंगे, पहला ऑप्शन ही लेना है हमें, और क्वेरी इस बार उठानी है। तो ये क्वेरी लेकर के क्या करना है, यहाँ पर हमें इस बार किसकी ज़रूरत है, सिटी की ज़रूरत है, ठीक है। फिर आगे बढ़ेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, और यहाँ पर इसको सिटी वाले उसमें सेव कर देंगे। तो ये सिटी हो गया यहाँ पर आकर के, और इसको नाम दे देते हैं सिटी, और ये सेव हो गया। तो ये इस तरीके से हो जाएगा। और अब जबकि हम यहाँ पर आएंगे, इसमें एक चेंज और करेंगे, यहाँ पर इसको एक नाम दे देते हैं, जैसे कॉम्बो 6 लिखा हुआ ये भी चलेगा, लेकिन यहाँ पे नाम दे देंगे तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। कॉम्बो सिटी कर देंगे, CITY। तो ये कर दिया हमने, इसको एक नाम दे दिया कॉम्बो सिटी, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब सिंपली यहाँ से फॉर्म डिज़ाइन पे जाके इसके व्यू पे क्लिक करना है। तो अभी आप देखेंगे कि यहाँ पर यूपी है, तो यूपी ही सेलेक्ट है, तो यहाँ पर यूपी से रिलेटेड सिटीज़ के नाम आपको दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन जैसे ही यहाँ पर स्टेट हम चेंज करते हैं, बिहार कर देते हैं, तो अभी आप देखेंगे कि यहाँ स्टेट भी चेंज हो गया ऑटोमेटिक। रिफ्रेश करने पे यहाँ देखिए सिवान और पटना आ रहा है, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे फिर चेंज करता हूँ, यूपी कर देता हूँ या MP कर देता हूँ, तो देखिए MP की कंडीशन में क्या आता है, यहाँ पे फिर रिफ्रेश किया तो यहाँ पे देख सकते हैं सतना, एक ही लिया था हमने, तो सतना यहाँ पे आ रहा है। तो इस तरीके से ये सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकते हैं, और इसमें कुछ चेंजेस और हम परफॉर्म कर सकते हैं। क्या चेंजेस करेंगे, देखिए यहाँ पर जा करके और यहाँ पर फॉर्म के अंदर जा करके यहाँ पर हम चेंजेस कर सकते हैं, पॉपअप को यस कर सकते हैं। तो यहाँ से आप पॉपअप यस कर लेंगे तो एकदम सॉफ्टवेयर जैसा लुक आ जाएगा आपका। ये देखिए ये सॉफ्टवेयर है आपका। अब यहाँ पर आप चेंज करेंगे, बिहार करेंगे, तो अभी यहाँ से रिफ्रेश करने की ज़रूरत पड़ेगी बार बार। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये रिफ्रेश वाला हाईलाइट नहीं होगा हिस्सा, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, बार बार इसको क्लोज करना पड़ेगा, ठीक है। अब ये क्लोज करने की नौबत ना आए, ये ऑटोमेटिक रिफ्रेश हो जाए, उसके लिए एक VBA कोड लिखा जाता है, ठीक है। यही वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, तो मैं इस वीडियो में अभी नहीं बताऊंगा, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पे बिहार हो गया है, तो ऑटोमेटिक यहाँ पर देखिए चेंज हो गया, सिवान और पटना आने लगा। तो कुछ इस तरीके से ये बनेगा, मैंने वादा किया था कि आज आपको बताऊंगा, तो ये बता दिया है। उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये वीडियो पसंद आएगी, अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे शेयर कीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।